कहानी शुरू होती है 1950 से। हम एक कपल को देखते हैं जो सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोककर बातें करने और मौज मस्ती में मसरूफ थे। तभी लड़की रेडियो पर खबर सुनती है एक हुक महगूक वाले आदमी के बारे में जो ऐसे ही घूम कर लोगों को मार देता है। उसके एक हाथ की जगह हुक है। ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये बहुत सुनसान जगह है। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके आसपास कोई मौजूद है, मगर उसका हस्बैंड उसकी कोई बात को नहीं मानता। अब तो लड़की और ज्यादा डर गई थी और अपने हस्बैंड से कहती है कि प्लीज चलो यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब उसका हस्बैंड उसकी बात मानकर गाड़ी को एक दूसरी जगह पर ले आया था। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके होश उड़ गए थे क्योंकि उनकी गाड़ी में एक हुक फंसा हुआ था, यानी कि ये सही वक्त पर उस सुनसान जगह से निकल गए, वरना ये दोनों मारे जाते क्योंकि वो कातिल हुकमैन इनके पास पहुंच गया था। मगर सही वक्त पर ये बचकर वहां से निकल गए। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट मौजूदा दौर में। हम चार दोस्तों को देखते हैं जो मौज मस्ती करते हुए गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उन चार दोस्तों में एक लड़का क्लिफ, उसकी दो फीमेल फ्रेंड्स और उसका एक भाई था। अब जो फिल्म शुरू में हमने कपल की कहानी देखी जो हुकमैन से डरकर भाग गए थे, ये कहानी दरअसल क्लिफ ही अपने दोस्तों को सुना रहा था और सही से ध्यान न होने की वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्लिफ अपनी फीमेल दोस्तों से कहता है देखो जिस गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट हुआ उसने हमें देखा भी नहीं और ऐसे ही चले गए। फिर ये चारों आग जलाकर रोड के दरमियान में ही बैठ जाते हैं। इन्हें पास ही एक खंडर भी नजर आता है जो कि सदियों पुराना एक चर्च था। अब ये आग जलाकर बैठ गए थे और अखबार पढ़ने लगते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर दो लोगों को मार दिया गया एक हुक के साथ, मगर कातिल अभी तक ना मिल सका। वक्त गुजारने के लिए ये ना जाने बैठे क्या क्या बातें कर रहे थे क्योंकि इनकी गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और आधी रात में ये घर भी वापस नहीं जा सकते थे। तो क्लिफ अपने दोस्तों से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ एक कपल की जो हनीमून मनाने अपनी वैन में निकले थे। उनकी वैन बिल्कुल एक घर की तरह थी जिसमें हर चीज मौजूद होती है। उन्होंने गलती ये की कि आधी रात को अपनी वैन को उन्होंने जंगल में रोक दिया। तभी उनके पास एक आदमी आया जो कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर अच्छा नहीं किया, वो तुम्हें मार देंगे जो पूरी चांद की रात में अपने शिकार पर निकलते हैं। हस्बैंड पूछता है किसकी बात कर रहे हो तुम। वो आदमी दरअसल यहाँ पर वेयरवुल्फ भेड़िए की बात कर रहा था। वो आदमी उस कपल को बताता है कि एक रात इसी तरह मेरी वाइफ की गाड़ी यहाँ पर रुकी, मगर उसके बाद न कभी मेरी वाइफ मिल सकी और न ही उसकी गाड़ी। ये आदमी बड़ी गन लेकर उन भेड़ियों से बदला लेने आया था। कहता है कि मैंने तुम्हारी वैन के बाहर उनके पैरों के निशान देखे हैं, तो अगर तुम्हें कोई भी खतरा लगे तो अपनी वैन को अच्छी तरह से बंद कर लेना और तब तक उसी जगह पर रुके रहना जब तक सुबह न हो जाए। उन दोनों हस्बैंड वाइफ को इस आदमी की बातों से तो नहीं बल्कि इससे डर लग रहा था। अब वो जाकर दोबारा से अपनी वैन में चले जाते हैं और यहाँ से जाने लगे थे कि तभी वो देखते हैं कि उनकी वैन में फ्यूल खत्म हो गया। हस्बैंड कहता है मैंने टैंक को फुल करवाया था, ऐसे कैसे हो सकता है। इसे अब उस आदमी पर शक हो रहा था जिसने भेड़िए के बारे में नहीं बताया था। ये सोचता है कि उसी ने ये सब किया होगा, मगर उस बेचारे को तो भेड़िए ने पकड़ लिया था और गाड़ी के नीचे से उसे घसीट लेता है। उसकी गाड़ी के नीचे खींच कर भेड़िए ने उसे मार दिया था और भयानक खतरनाक तरीके से उसके टुकड़े कर देता है। इधर ये कपल जिनकी वैन में फ्यूल खत्म हो गया था सोचते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तभी वाइफ के पाँव में भी चोट लग गई थी। हस्बैंड कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं बाहर जाकर गैस स्टेशन ढूंढता हूँ। अब जब वो पैदल निकलता है तो उसी आदमी की गाड़ी तक पहुँच गया था जिसने इन्हें वुल्फ के बारे में बताया था। वो उसकी गाड़ी देखकर सोचता है कि थोड़ा सा पेट्रोल क्यों ना मैं इसकी गाड़ी से ही ले लूं। अब जब वो ऐसा करने लगा ही था तो वो फिसल कर गिर जाता है। उसके कंधे पर उस आदमी का जबड़ा चिपक जाता है। ये वहाँ पर दरअसल खून की वजह से फिसला था, उस आदमी को भेड़िया मार कर खा गया था। हस्बैंड को ये सब देख कर समझ आता है कि वो आदमी इनसे सच कह रहा था। अब वो जब यहाँ से जाने लगता है तो भेड़िए ने पीछे से आकर उसे भी पकड़ लिया था। भेड़िया उसका गला दबा देता है जिससे उसकी आवाज बंद हो गई थी। हस्बैंड तेजी से भागता है और अपनी वैन के दरवाजे को जाकर जोर जोर से खटखटाने लगा, मगर उसकी वाइफ
दरवाजा नहीं खोलती। वो डर गई थी क्योंकि ये खुद कहकर गया था कि जब मैं 3 दफा दरवाजा बजाऊं तो तुम समझ जाना कि मैं हूँ और दरवाजे को खोल देना। मगर अब ये खुद ही डर की वजह से दरवाजा जोर जोर से बजा रहा था। उसकी वाइफ थोड़ा सोच में पड़ जाती है उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। तभी वैन की छत के ऊपर से भेड़िए ने उसकी वाइफ के बालों को पकड़ लिया था। वो उससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है और एक नोकीला रॉड उसे दे मारते है। थोड़ी देर बाद वो भेड़िया वहाँ से खिड़की के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार भी वो उसके मुंह पर पेपर स्प्रे कर देती है और साथ ही वैन में उसने खतरे वाला अलार्म बजा दिया था और खुद बेहोश हो गई थी। जब सुबह होती है और उसे होश आता है तो एक पुलिस वाला उसके पास आया था। वो उस वैन से उसे बाहर निकाल कर ले जा रहा था और कहता है कि पीछे मत देखना, मगर वो अपने पीछे देख लेती है और देखकर हैरान हो गई थी। उसके तो होश उड़ गए थे क्योंकि भेड़िया ने इसके हस्बैंड को मारकर उल्टा दरख्त से लटका दिया था और उसके हाथ में पहनी अंगूठी बार बार वैन की छत से रगड़ खा रही थी। दरअसल जब रात को इसने डर की वजह से दरवाजा नहीं खोला तो उस वक्त इसका हस्बैंड था। अगर ये दरवाजा खोल देती तो आज वो जिंदा होता। अब इसी बात को लेकर ये सारी जिंदगी गुजार देगी कि काश उस दिन ये दरवाजा खोल देती और उस अंगूठी की आवाज इसे सारी जिंदगी सुनाई देगी। यही पर क्लिफ अपनी पहली कहानी खत्म करता है। तभी उसे यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है, मगर ये आवाज सिर्फ उसे ही आ रही थी, बाकी तीनों ने उस आवाज को नहीं सुना था। जब ये टाइम देखने के लिए अपनी घड़ी देखता है तो वो भी एक्सीडेंट की वजह से टूट चुकी थी और उसमें टायर बारे में थी। आज उसकी उम्र 12 साल पूरी हो गई थी। उसकी फैमिली में उसकी मॉम डैड और एक बड़ी बहन होती है। उसके साथ एक बहुत ही प्यारा डॉग भी रहता था। वो बच्ची अपने डैड से कहती है कि इस बार मुझे मेरी बर्थडे पर साइकिल चाहिए, जिसे सुनकर उसके डैड उससे वादा तो नहीं करते, कहते हैं चलो देखेंगे। आज उसके स्कूल में मीटिंग थी तो इसीलिए उसके मॉम डैड तो वहाँ पर चले जाते हैं। इसे इसकी बड़ी बहन के पास छोड़कर इस बच्चे ने इंटरनेट पर अपनी एक दोस्त बनाई हुई थी जिसका नाम जेसिका था, जिसके बारे में इसने अपने मॉम डैड को कभी भी नहीं बताया था। अब खैर इसकी बहन भी आज रात पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। वो बच्ची अब घर पर बिल्कुल अकेली थी। ये बात अब वो अपनी दोस्त जेसिका को भी बता देती है, जिसके साथ ही अक्सर इंटरनेट पर बातें किया करती थी, जिसे सुनकर वो अचानक से ऑफलाइन हो गई थी। दरअसल जेसिका कोई लड़की नहीं बल्कि एक सीरियल किलर कातिल था, जो छोटी बच्चियों से ऐसे ही इंटरनेट पर दोस्ती करके उन्हें फंसाता और फिर मार देता था। उस कातिल ने उस छोटी बच्ची के बारे में भी बहुत सी मालूमात जमा कर रखी थी। उसकी जासूसी ये काफी वक्त से कर रहा था। अब जब इसने ये सुना कि वो घर पर अकेली है तो उसे मारने की तैयारी में लग गया। बच्ची अपने घर के बाहर गार्डन में बॉल से खेल रही थी कि तभी उसकी बॉल झाड़ियों में गिर जाती है। इतनी ही देर में कातिल भी उसके घर पर पहुंच गया था। अब जब वो झाड़ियों में उस बॉल को लेने जाती है तो वो कातिल उसे बालों से पकड़ने की कोशिश करता है, मगर उसे बॉल मिल गई थी और वो उसे लेकर चली जाती है। उसने अंदर आकर दरवाजे को भी लॉक कर दिया था। अब वो कातिल उसके डॉग के अंदर आने वाले दरवाजे से अपना हाथ डालकर लॉक खोलने की कोशिश करता है, मगर नहीं खोल पाता। खैर वो बहुत कोशिश के बाद फिर एक खिड़की के रास्ते से गैराज में आकर अंदर आ गया था। छोटी बच्ची अपने डॉग को कमरे में ले जाकर सोने लगी। वो अक्सर अपने डॉग को बेड के नीचे सुलाया करती थी और अपना हाथ नीचे करती और उसका डॉग उसके हाथ को अपनी जुबान से चाटा करता था। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसका डॉग बेड के नीचे नहीं था। वो उसे ढूंढने के राज में जाती है, जहाँ पर वो अपनी नई साइकिल देखती है जिसे लाकर उसके डैड ने छुपा दिया था। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट भी चली गई थी। छोटी बच्ची डर कर जब ऊपर आती है तो वहाँ पर उसकी बड़ी बहन थी, जो पार्टी से वापस आ गई थी। अब वो अपने कमरे में जब वापस जाती है, जहाँ पर वो बेड के नीचे अपने डॉग का पाँव देखती है, वो लेट कर फिर से अपना हाथ नीचे कर लेती है ताकि उसका डॉग उसके हाथ को चाट सके। तभी उसकी नजर शीशे पर जाती है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस बच्ची का हाथ दरअसल वो कातिल चाट रहा था, जो अब उसके कमरे में था। बच्ची डर कर बाहर आ जाती है। वो जब अपनी बहन को बुला कर लाती है, दोनों बेड के नीचे देखते हैं तो उधर डॉग की लाश पड़ी थी, जिसको वो कातिल मारकर चला गया था। असल में तो वो छोटी बच्ची को मारने आया था और वो आज तक पकड़ा नहीं गया। क्लिफ कहता है, ये थी मेरी दूसरी कहानी। अब यहाँ पर तीसरी कहानी सुनाती है क्लिफ की फीमेल दोस्त। वो कहती है, मेरी कहानी का नाम है द लॉकेट। ये कहानी एक लड़के की है जिसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपनी बाइक लेकर घूमने फिरने निकल जाता है। अचानक से उसकी बाइक खराब हो गई। उसे सामने ही एक घर दिखाई देता है जिसमें एक लड़की रहती थी जो कि बोल नहीं सकती थी। वो अब उस लड़के से बोर्ड पर शौक से लिखकर बातें करती है। वो बताती है कि मैं यहाँ पर अपने डैड के साथ रहती हूँ। वो उसके गले में पहने लॉकेट की बहुत तारीफ करता है।
आता है और उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर क्या मदद कर सकता हूँ। वो लड़की उसे बाल्टी देती है और कहती है जाओ जाकर पानी ले आओ। अब जब वो लड़का बाहर पानी लेने जाता है तो देखता है कुएं के बाहर एक आदमी है जो उसके अंदर कुछ फेंक रहा था और अचानक से गायब हो गया। ये देख कर वो लड़का बहुत डर जाता है। वो घर के अंदर आ गया था। जब वो उस लड़की के पास जाता है तो तभी उसके डैड आ जाते हैं। वो लड़की वहाँ से चली गई थी। कुछ देर के बाद लड़के को चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तभी वो लड़की भी उसके पास आ जाती है। वो उसे बताता है कि अभी मैंने चीखने की आवाज़ें सुनी और मैंने कुएं के बाहर एक आदमी को देखा जो अचानक से गायब हो गया। वो लड़की उसे लिख कर बताती है घोस्ट भूत है यहाँ पर। ये बातें सुनकर लड़का डर गया था और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर क्यों रह रही हो, अपना सामान पैक करो, हम कहीं और चलते हैं। जब वो लड़का अपना सारा सामान लेकर लड़की को लेने आया तो देखता है उसके घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था। वहाँ पर दो लाशें भी पड़ी थी। उसने जब बाहर आकर देखा वो लड़की के डैड कुएं में किसी का कटा हुआ सर फेंक रहे थे और फिर बाद में खुद भी छलांग लगा लेते हैं। तभी उसके पास लड़की आती है जो उसे लिख कर बताती है कि इधर दो आदमी मर गए। तभी उसके डैड फिर से उतर आ जाते हैं जो न जाने भूत थे या इंसान। अब वो लड़का एक कुल्हाड़ी पकड़ता है और उस लड़की के डैड के पाँव में मार देता है जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से चला गया था। लड़का लड़की को उसके घर से दूर ले आया था। जब लड़की उसकी गोद में सर रख कर सो रही थी तो वो लड़का उसका लॉकेट उतार कर उसमें तस्वीर को देखता है जो उस लड़के की और इसी लड़की की थी, जिसे देख कर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं तो इससे अभी कुछ दिन पहले मिला तो इसके लॉकेट में मेरी तस्वीर कैसे। तभी वो लड़की जाग जाती है। तभी अचानक से उसका सर कट कर खुद ब खुद अलग हो गया था। दरअसल एक रात जब इस लड़की के डैड घर पर आए तो उन्होंने इन दोनों को एक साथ देख लिया, जिस वजह से लड़की के डैड ने दोनों को मार दिया और अपनी बेटी यानी कि इस लड़की का सर काट कर कुएं में फेंक दिया। फिर जिसके बाद ये सभी भूत बन गए। पर उस लड़के का ये दूसरा जन्म था, वो दूसरी बार दुनिया में पैदा हुआ था और दोबारा उस लड़की से मिला, मतलब उस लड़की के भूत आत्मा से। और शायद वो लड़का टाइम लूप में फंसा हो जो ऐसे ही चलता रहेगा। फीमेल दोस्त जब ये कहानी खत्म करती है तो क्लिफ को पुलिस आती और एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी थी। जब वो भागकर उनके पास जाता है तो देखता है वो बिल्कुल अकेला था, उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे। वो जब वापस जाकर देखता है उधर आग जल रही थी मगर वहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं था, तीनों गायब थे। इसकी वजह ये थी कि वो तीनों असल में मर चुके थे। क्लिफ खुद अपने जिस्म को भी देखता है जिसको बचाने की डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे जबकि इसके बाकी तीनों दोस्त मर चुके थे। असल में ये चारों उसी वक्त मर गए थे जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। इन चारों की आत्माएं एक साथ थी जब उनके बचने के चांसेस थे मगर अब तीन का फैसला हो चुका था, क्लिफ ही बाकी था। हम देखते हैं कि जिस गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ वो दरअसल उसी कपल की गाड़ी थी जिनको इन्होंने अपनी कहानी में इमेजिन यानी कि उनके बारे में सोचा था। नर्स और डॉक्टर वो थे जिन लड़का लड़की की कहानी हमने अभी देखी। हम देखते हैं कि क्लिफ भी मर चुका था। फिर वो अब अपने दोस्तों के पास जाता है। चारों की आत्माएं इकट्ठी हो गई थी। क्लिफ उनसे सॉरी बोलता है कि उसी की वजह से ये सब हुआ था, अगर वो ध्यान से गाड़ी चलाता तो आज वो चारों जिंदा होते। पुलिस इनकी लाशों को ले जा रही थी कि तभी हम सामने से एक गाड़ी को आता हुआ देखते हैं जिसमें था वही कातिल हुकमैन जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो क्यों आया था, क्या सच में वो कातिल था, ये एक सवाल ही रह जाता है। और इसी के साथ हमारी इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।